आज हम घर पर ही बिल्कुल बाजार जैसी रेत भुजी छली बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 छली को लिया। इसको हमने पहले से ही अच्छे से वाश कर लिया था ताकि ऊपर इसके जो भी कोई मिट्टी कंकर वगैरह हो वो इसका अच्छे से निकल जाए। सबसे पहले गैस के फ्लेम को ऑन करते हैं और उसके ऊपर कुकर को रखते हैं। कुकर को 2 मिनट के लिए गर्म होने देते हैं। जब तक कुकर गर्म होता है तब तक हम 1 टेबलस्पून जितना ये पानी भी ले लेते हैं। 1 टेबलस्पून पानी है सिर्फ। मैंने अब कुकर गर्म हो गया है तो मैं कुकर के बीच ये रिंग रख रही हूँ। आपके पास कोई भी स्टैंड हो उसको रख सकते हैं या कुछ अदर चीज़ को भी रख सकते हैं। अब हमने इसको रख दिया है और अब हम एक एक करके ये सब छलियों को इसके बीच में रख देंगे। अब आप देख सकते हो हमने छली को अच्छे से टिका लिया है रिंग के ऊपर और अब हम इसमें 1 टेबलस्पून जितना पानी डाल देंगे। सो आप ये देख सकते हो कुकर गर्म है और इसकी आवाज़ आई है। और इसके बाद में हम इसमें 1/2 चम्मच जितना नमक भी डाल देंगे ताकि इसका फ्लेवर भी अच्छा आए और जो हमारे भुट्टे का रंग अंदर से निकले वो बिल्कुल ही एकदम से अच्छा हो। अब हम इसके ढक्कन को बंद कर लेंगे और 5 मिनट के लिए तेज़ फ्लेम पे ही रहने देंगे। ये आप देख सकते हैं। और अब हम गैस के फ्लेम को 10 मिनट हो चुके हैं तो बंद कर देते हैं। सो हमने अब गैस के फ्लेम को बंद कर दिया और कुकर के फ्लेम को रिमूव कर देते हैं और अब हम कुकर को गैस से नीचे उतार देते हैं और ढक्कन को ओपन करते हैं। अरे वाह, हमारी ये देखो छली का रंग बिल्कुल रेत की भुनी हुई छली जैसा बन गया है। आप देख सकते हो सेम वैसे का ही वैसे लगता है। और अब हम चिमटे की या किसी और चीज़ की मदद से इन सब छलियों को एक एक करके बाहर निकालते हैं क्योंकि ये बहुत गर्म है, हाथ से तो दोस्तों निकलेगी नहीं। और अब ये आप देख सकते हो ये हमारी छली अच्छी से कुक हो चुकी है। अब दोस्तों जब तक हमारी छली और भुट्टा, मतलब मान लो छली या भुट्टा किसी भी लैंग्वेज में आप इसको बोल सकते हो, जब तक थोड़ी सी ठंडी होती है तब तक हम इस पर लगाने के लिए मसाला बना लेते हैं बिल्कुल चटपटा सा। 1/2 चम्मच पिंक साल्ट लिया, 1/2 चम्मच हमने सेंधा नमक लिया, 1/2 चम्मच हमने भुना हुआ जीरा लिया, 1/4 चम्मच हमने काली मिर्च ली, थोड़ी सी हमने लाल मिर्च ली। अगर आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो। और हमने 1/2 चम्मच जितना अमचूर पाउडर लिया। अब ऐसे है दोस्तों कि भुना हुआ जीरा है उसमें तो कई बार ऐसा होता है कि वो जीरा चिपकता नहीं है, तो हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर छलनी की सहायता से इस मसाले को अच्छे से छान लेंगे। सो आप ये देख सकते हो हमने चाय पानी में इसको डाल लिया है और इसको अच्छे से छान लिया है। ये हमारा मसाला बिल्कुल बारीक निकलेगा और ये इतना चटपटा होगा, बिल्कुल ये घर का बना हुआ देसी चाट मसाला है। ये फुली हाइजेनिक है। ये हमारा मसाला ये अच्छे से बन गया है। अब हम सबसे पहले एक नींबू ले लेंगे और इसके 2 पीस कर लेंगे और इसके जितने भी ये बीज हैं ये सब निकाल देंगे। ये देख सकते हो ये हमारा भुट्टा कितना अच्छे से बना है, बिल्कुल ये बाजार की रेत भुजी छली जैसा ही बना है। सो अब हम इसके ये जो ऊपर इसके ये बाल बाल लगे होते हैं छली में, ये इनको अच्छे से रिमूव कर देंगे और फिर हम इसको जल्दी से जल्दी नींबू और चाट मसाला लगा के सर्व करेंगे। जब तक हम नींबू और चाट मसाला इसको लगाते हैं तब तक आप हमारे चैनल को, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर लें और हमारे वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको और वीडियो कौन सा देखना है और ये आपको ये हमारा भुट्टे का वीडियो कैसा लगा।
यानी कि ये छल्ली का वीडियो कैसा लगा, क्योंकि मैं रोज़ आपके लिए नए नए वीडियो लेके आती रहती हूँ।